तो फाइनली हीरो कंपनी की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक वेरिएंट के साथ आ चुकी है और इसको जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है इस BS7 वर्जन में, ये आपको जानकारी देने वाले हैं। और इसमें आपको काफी सारे बदलाव भी देखने को मिल जाएंगे, A to Z सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपसे अपडेट मिस ना हो। तो आइए सीधा बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो जो नया मॉडल आया है इसमें आपको जो सबसे पहला अपडेट देखने को मिलेगा, इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं जहाँ पे आपको नई ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही एक्सटेक की इसमें बैजिंग भी दी गई है, यानी कि एक्सटेक वाले आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। तो इसमें आपको फुली नई डिजाइनिंग की हेडलैम्प सेक्शन मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं जो पैशन एक्सटेक आ रही थी पैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे लुक मिल रहा है, जहाँ पे LED हेडलैम्प के साथ आपको LED DRS देखने को मिलेगा। तो इसमें जो नया अपडेट और भी किया गया, इसमें फुली डिजिटल डिस्प्ले दे दिया गया है जैसा कि आपको स्प्लेंडर एक्सटेक में मिलता है, वैसा ही सेम यहाँ पे मीटर कंसोल दिया गया जो कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आएगी, सारे इन्फॉर्मेशन वो मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर इंजन की बात करें तो इंजन में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए, गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स की वजह से इसमें OBD2 सेंसर मिल जाएगा। इसके अलावा ये E20 फ्यूल कैपेबल भी है, यानी कि 20% तक एथेनॉल प्लस 80% तक पेट्रोल वाले फ्यूल से भी ये चलेगी, जो कि आने वाले समय में सभी पेट्रोल पंप पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्यूल, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपकी पेट्रोल की कॉस्ट थोड़ी सी कम होगी। इसके अलावा जो इमिशन होता है वो भी थोड़ा सा कम होगा। इसके अलावा इसमें भी आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए। और इसमें आपको नए डिजाइनिंग की एग्जॉस्ट सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि रीडिजाइन की गई है, जिसके वजह से इसकी लुक भी थोड़ी सी इन्हांस हो गई है और इसकी साउंड भी आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाता है। तो यही आपको नए अपडेट सुपर स्प्लेंडर में देखने को मिल जाती है। हालांकि कई सारे डीलरशिप पे ये पहुंच चुकी है और जल्दी इसे लॉन्च भी किया जाएगा और इसकी ऑफिशियल प्राइस भी जल्दी आ जाएगी, तो उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी बन जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। बाकी जो करेंट मॉडल का जो सुपर स्प्लेंडर का प्राइस है, लगभग जो टॉप मॉडल के साथ आती है डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ 83,248 रुपीज तक एक्स रूम दिल्ली में प्राइस है। तो इससे आप मान के चल सकते हैं कि 3,000 से 4,000 रुपए तक ज्यादा महंगी ये नया एक्सटेक वेरिएंट सुपर स्प्लेंडर होने वाली है, यानी कि 87,000 रुपए के आसपास में एक्स रूम प्राइस में ये लॉन्च हो सकती है। तो नए लुक के साथ सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक आपको कैसी लगी, इसके नए अपडेट कैसे लगे, नए डिजाइनिंग की हेडलैम्प कैसी लग रही है, मीटर कंसोल वाला फीचर आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।